मॉर्निंग दोस्तों, मैं घर से निकल चुका हूँ बोरिया बिस्तर बांध के, मैं जाऊंगा अपना गांव। तो आज का वीडियो सिर्फ ब्लॉग होगा और मैं ब्लॉग बनाने में एक्सपर्ट। चलो अभी मैं एक चैलेंज लेने वाला हूँ विदाउट टिकट का हावड़ा। ये इम्पॉसिबल है पर ट्राई करते हैं। बस कंडक्टर टिकट चेक कर रहे हैं सबका और मुझे डर लग रहा है कि मेरे पास ना आ जाए। अगर मेरे पास पूछ ले तो मैं तो गया, लेकिन मेरे पास ही वो आ रहा है और भी आ रहा है। मैं भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं कैसे भी कच के मुझे बचना पड़ेगा। तो मैंने सिर अपना छुपा लिया भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मार पड़ जाएगा। और ऐसे करके मेरा मिशन कम्प्लीट। यस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने टिकट काट लिया है। तो बहुत जल्दी मैं हावड़ा में पहुंच गया, ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जो होता है लगता है भले के लिए होता है। और यहाँ पर अभी भीड़ है, बाजार बैठा हुआ है, लोग आते हैं शॉपिंग करने, गुटखा खरीदने। तुम लोगों के लिए बहुत सारा वैरायटी ऑफ गुटखा। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अंकल जी गुटखा बेच रहे, गुस्सा हो गए। अंकल सिगरेट में गुटखा बेच रहे थे तो वहाँ पर वार्निंग बोर्ड नहीं था, तो मैंने घुस गया, तो सॉरी। तुम लोगों को पता है या नहीं, पर ये इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो, बिकॉज इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और बहुत कुछ है। ये मैंने बचपन में देखा है। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत स्ट्रेस में हो, बम के वजह से, जिंदगी की वजह से या अपने गर्लफ्रेंड की वजह से, पर हाँ जिंदगी को सब कुछ भूल के घूमना चाहिए। और हाँ, घूमने के लिए पैसे भी जरूरत है, उसके लिए काम भी जरूरत है। वही घूम फिर के तनाव में आ चुका हूँ मैं भाई, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ये रहा हमारे इंडियन स्टेशन की हालत, सामने फूड स्टॉल, उसके बगल में कचरा, कोई साफ क्यों नहीं करता। स्टेशन का हालत, बेचारे लोग कई जगह नहीं है, बाहर से आते हैं डॉक्टर दिखाने या काम करने, तो बेचारे लोग को बाहर ही सोना या बैठना पड़ता है। और स्टेशन का हालत सबसे बदतर है भाई, साफ सुथरे का कोई नाम नहीं है, कहीं पर भी साफ सुथरा नहीं है, हर जगह सिर्फ कचरा और कचरा। तो स्टाइलिश कपड़े और स्टाइलिश जूते पहनने से कूल या एजुकेटेड नहीं दिखोगे। कभी कभार आसपास के परिस्थिति भी देख के साफ सफाई रखना जरूरी है, वही एक कूल काम है जो तुम्हें कूल एक्चुअल में साबित करता है। स्वैग इसमें नहीं है, स्वैग है अपने देश को साफ सुथरा बेहतर करना और जिम्मेदारी ले, क्योंकि ग्रेट पावर विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे ये फटीचर किस्मत में मैं हार चुका हूँ दोस्तों, और मैं ये पुल का तो छोड़ रहा हूँ क्योंकि इतने साल से एक भी लड़की मेरे नसीब में है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाहिया जगह में छोड़ के वकांडा या अफ्रीका में कहीं सेट हो जाऊंगा, कोई तो मिल जाएगी मुझे काली, पर घरवाली होगी जरूर। बाय बाय दोस्तों, दुआओं में याद रखना। दो घंटे बैठने के बाद अभी जाके आई गाड़ी, इस गाड़ी की आनी बाड़ी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो अभी मैं ट्रेन में आ चुका हूँ, सीट मिल चुका है, कुछ ही टाइम है ट्रेन रवाना हो जाएगा, बस आशा करता हूँ कि सही सलामत पहुंच जाऊं। तो अभी ट्रेन छूट चुका है हम लोगों का, वेदर भी तो जरा मौसम कुछ ठंडा ठंडा है और बारिश हो सकता है, गिर भी सकता है। मुझे लग रहा है ये सफर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हाँ थोड़ा सा मजेदार, चिल्ड, आराम। मुझे पता है कि तुम लोग अभी काम से आए हो, थके हारे हो, तो जाके फ्रेश होके ये वीडियो पूरा देखना और हाँ कमेंट में बताना कैसा लगा। साउंड थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है ना ही इक्विपमेंट्स, सो एडजस्ट कर लो, मैं थोड़ा सा साउंड इनहेंस करने की कोशिश करूँगा। सो चलो सफर में क्या होता है देखो। ब्यूटीफुल नेचर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक दिन मैं भी इस बिल्डिंग में छोटा सा एक कमरा खरीद लूंगा। सब एकदम माहौल एकदम क्लीन एंड शांत है। खाते खाते ये वीडियो देखो और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। लोग यहाँ पर अभी कहीं ट्रिप में जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर से आए काम करके, कुछ लोग घूमने जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, और मैं जा रहा हूँ स्टोरी बनाने। मैंने सोचा कि आज बारिश गिरेगा लेकिन नहीं गिरा, और मैं सो गया था क्योंकि बहुत गर्मी है, मैं पसीना में भीग भी चुका हूँ और बारिश। उफ, तुम लोग कैसे काम करते हो भाई इतने गर्मी में, मानना पड़ेगा। बैंडल हम घुस चुके हैं और सब बैठे हैं यहाँ पर इतने गर्मी में। इस ट्रेन का साफ सुथरा है ना,
इतने में इतना ही मिलेगा, और ये जो पास वाला है ये क्या है, एक घंटा दो घंटा समझने में दिक्कत हुआ, लेकिन मेरे 2 इंच के दिमाग में घुस गया कि हाँ ये हाथ धोने वाला मशीन है। ट्रेन के ये वाला सीट मुझे बस जैसा लगता है। गांड फटे तो फटे, नबा भी ना घटे। अभी हम बोर्डमोर स्टेशन में खड़े हैं और मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने सोचा कि कुछ खाने के लिए खरीद लें, लेकिन फिर मैं उठा नहीं। দাদা এটা কি? দাদা এটা কি জিনিসটা? এটা মশিটা নাবার দড়ি, শায়ের দড়ি, পাজামার দড়ি, চুড়ি দড়ি, সোনাই নিয়ে এবার গলার দড়ি হয়। গলায় দিলে মন্ত্রী দেবে, মন দেবে কেন? চার টাকা দুটি দেবে না? সে ওই অপোজিট দুটো। तो फाइनली मेरा स्टेशन आ चुका है, फरक का स्टेशन, और मैं उतर चुका हूँ। अब मैं वेट करूंगा सवारी के लिए, अब मैं वेट करूंगा। ये रहा मेरा ट्रेन जो अभी खड़ा हुआ है, किसके लिए खड़ा हुआ है मुझे पता नहीं। काम हो चुका है, तुम जा सकते हो, और मैं घर जाके बाकी ये छोटा सा सिंपल सा वीडियो मैं एडिट कर लूंगा देन अपलोड, उसके बाद नया कॉन्टेंट सोचेंगे। ये स्टेशन कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा और बेहतरीन है। अब ये फीचर कुछ ज्यादा नया है तो मैं जरा ट्राई कर रहा हूँ, और मुझे पता नहीं कैसा। वाओ, इंटरेस्टिंग। सुबह से बस मैंने पूरा दिन पानी पिया, क्योंकि पानी पीना जरूरी है, और इस गर्मी में तो भाई पानी कुछ ज्यादा ही जरूरी है, इसलिए मैंने इतना पिया। अब मुझे टॉयलेट लग गया, मुझे कहीं मिल भी नहीं रहा। और शिट यार, अब इतनी गर्मी में दही खाना सबसे बढ़िया होता है पेट के लिए, तो मैं अभी दही खा रहा हूँ। कुछ खाने का है नहीं, बाहर का नॉर्मली मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं दही खा रहा हूँ। तो मैं जिस जगह हूँ उस जगह का नाम है कलेजोगर, यहाँ पर आम बहुत फेमस है, और हाँ मैं गाँव इसलिए आया आम के मजे लेने के। इस सीरीज में तुम्हें गाँव की हर कुछ दिखाई देगा कि गाँव में क्या क्या सबसे बढ़िया चीज मिलता है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।